ये क्या किया रे मुन्ना, तूने तो मुझे प्लेऑफ से बाहर कर डाला। क्या बिगड़ा था रे मैंने तेरा? और क्या करूँ, आखिर मैं शर्मा जी का लौंडा हूँ। मेरे ऊपर होता है सोसाइटी का भार, कैसे सहन करूँ मैं अपनी हार। और तू बुरा मत मानना यार, मुझे चाहिए थी टाटा नेक्सॉन की कार। और तू हार्दिक के टी शर्ट से ही खुश रहे भाई। क्या भाई, वो तो मैंने निकाल दी। हाँ सही है, टी शर्ट से पसीने की बदबू भी आ रही होंगी। ऐसा कतई नहीं हो सकता, मैं वॉशिंग पाउडर निर्मा से नहा के आया था। कुछ भी मत बोलो भाई। लेकिन एक बात पल्ले नहीं पड़ी भाई, आप लोगों ने जर्सी एक्सचेंज काय को की भाई, क्या मांजरा क्या है? कुछ नहीं भाई, वो अगले साल हार्दिक भाई पंजाब की तरफ से खेलने वाला है और मैं मुंबई की तरफ से, इसलिए साइज चेक कर रहे थे टी शर्ट बदल के। ओ ये क्या बोल रहा है, हार्दिक को प्रीति मैडम इतनी पसंद है, मुझे तो पता ही नहीं था भाई, ये तो बहुत छुपा रिश्ता है भाई, मैं तो बौखला गया। हाँ लगता है हार्दिक ने प्रीति से प्रीत जोड़ ली। ए, क्या बोल रहे हो रे? लाइन मार रहे हो कमीनो? और मुन्ना लोग कम से कम प्रीति मैडम पे तो लाइन मत मारो। मैं नहीं भाई, वो हार्दिक मार रहा है, पहले परी पे फिर नीति पे अब प्रीति पे। क्या फुसल फुसल कर रहे हो रे मेरे बारे में? कोई बात नहीं मुन्ना, आ जा तू हमारी टीम में। जाने दे इस हार्दिक को मुंबई से पंजाब में, वैसे भी तेरा स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा है। और एक बात, इस टीम में तुझे फ्री में जियो सिम भी मिल जाएगा। मैं नहीं छोड़ रहा हूँ मुंबई इंडियंस कुछ भी, वो तो हम टी शर्ट क्यों ही, वो तो हम टी शर्ट शर्ट लगाई थी हमने भाई, कुछ भी।